सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो भाई साहब यहाँ पर ओप्पो ने अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जो कि है ओप्पो का K1। और अगर हम लोग बात करते हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त ये स्मार्टफोन होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं तो ओप्पो ने इस फोन की प्राइसिंग रखी है 4GB 64GB 16,990 रुपीज़। जी हाँ, 16,990 रुपीज़, यानी कि 17,000 आपको इस फ़ोन के लिए देने होंगे। अगर आप 17,000 इस फ़ोन के लिए देंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, वही आ जाके मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो रेडमी का नोट 7 आने वाला है 12 फरवरी को, उसको ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर टक्कर देने वाला है, क्योंकि ओप्पो के स्मार्टफोन आपको ऑफलाइन मार्केट में भी देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले से, तो हम लोग को मिलेगा 6.4 इंच का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले जो कि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने वाला है। जी हाँ, ये आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने वाला है। और सुपर एमोलेड सुनते ही आप लोगों के मन में वही डाउट होगा, इसमें आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर। जी हाँ, इस फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर होने वाला है और 17,000 के प्राइस रेंज में ये इकलौता स्मार्टफोन है जिसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया वाली बात लगी। अब आप लोग बोलेगा कि भाई सिर्फ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर कुछ नहीं होता है, मैं मानता हूँ कुछ नहीं होता है। हम लोग को मिलेगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 660 का पावरफुल चिपसेट, तो आप हेवी गेम इस स्मार्टफोन में बड़ी आसानी से खेल सकते हैं। 4GB का रैम मिला है, 64GB का आपको इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगी। इस फोन में यूज़ किया गया है एंड्रॉइड का ओरियो। एटलीस्ट यार अगर पाई दे देते ओप्पो तो और भी ज़्यादा बेहतर यहाँ पर हो जाता, लेकिन यहाँ पर ओप्पो ने आपको एंड्रॉइड का ओरियो ही दिया है। बात कर लेते हैं कैमरा की, तो बैक में आपको मिलेगा डुअल कैमरा का सेटअप 16+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट में आपको मिलेगा 25 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त वाली बात है और काफ़ी ज़बरदस्त आप फोटोज इस फोन से ले सकते हैं। बात कर लेते हैं बैटरी की, तो हम लोग को मिलेगा 3600 mAh की बैटरी, लेकिन ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है, डुअल 4G को सपोर्ट करता है। माइक्रो USB पोर्ट मिल जाएगा, ब्लूटूथ का 5 मिलेगा, एटलीस्ट अगर USB टाइप सी पोर्ट भी देते तो ज़्यादा बेहतर मैं आप लोगों को बोल सकता था। लेकिन अगर आप लोग प्राइसिंग को देखें और स्पेस को देखो तो काफ़ी ज़बरदस्त ये स्मार्टफोन होने वाला है, क्योंकि 17,000 में आपको काफ़ी कुछ ओप्पो ने यहाँ पर दे दिया है। अच्छा डिस्प्ले दे दिया है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल रहा है, साथ में आपको पावरफुल चिपसेट भी दिया है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 660 का, 4GB का रैम मिल जाता है, फ्रंट कैमरा आपको 25 मेगापिक्सल का आपको दिया है। तो ओवरऑल अगर आप सभी एंगल से देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर स्मार्टफोन ओप्पो ने लॉन्च किया है। आप कह सकते हैं कि ओप्पो और वीवो 2018 के बाद काफ़ी ज़बरदस्त स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है, चाहे वो वीवो का नेक्स हो या फिर ओप्पो का फाइंड एक्स हो, मतलब ज़बरदस्त काफ़ी कमाल के यहाँ पर इनोवेशन यहाँ पर वीवो और ओप्पो कर रहा है। अब आप लोग क्या सोचते हैं इस नए स्मार्टफोन के बारे में, आपका अगर बजट है 17,000 तो क्या आप इस फोन को लेना सही समझेंगे? आपका जो भी राय है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको ये फोन लेने में इंटरेस्ट है तो 12 फरवरी से जाके फ्लिपकार्ट के ऊपर इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं, तो क्या आप लोग बाय कीजिएगा वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को पता चल जाए कि हाँ भाई वीवो की तरफ से काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन आ गया है। जो भी अपना राय कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।